नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में बिना लहसुन प्याज वाले काले चने की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और साथ ही साथ सेहत की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होती है। इन्हें आप नवरात्रि व्रत में, अष्टमी नवमी में, कन्या भोज में कन्याओं को बनाकर खिलाइए, बच्चियों को बहुत पसंद आएंगे। तो जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए काले चने मैंने लिए हैं और ये आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर एक कप लिया है। तो एक कप काले चने मैंने लगभग 8 से 10 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, तो मैंने तो ओवरनाइट ही इसको भिगो दिया था। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इसको ओवरनाइट भिगो दें, और जल्दी में भिगोना है तो आप इसको गर्म पानी में भिगो दें। तो भीग के इतने होने चाहिए कि अगर हम हाथ से तोड़ें तो देखिए इस तरीके से हाथ से टूट जाने चाहिए। तो हमारे चने तो बहुत अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, और चलिए अब इसको बॉयल करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पानी है, हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको पानी समेत ही हम एक कुकर में डालेंगे। और पानी इसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो चुका है, क्योंकि रात भर इसमें चने भीगे रहे हैं, तो चने का न्यूट्रिशन पानी में भी उतर के आ गया है। इसलिए कोई भी चीज़ भिगोएं तो पहले धो के भिगोया करिए, ताकि उसका पानी फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। और अब इसमें नमक ऐड करेंगे, कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जैसे कि एक तेज़पत्ता, साथ ही साथ में एक बड़ी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, साथ ही साथ में 2 छोटी हरी इलायची ऐड करेंगे, और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो साथ में बॉईल करने से इन खड़े मसालों को बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इस चने में। अब पानी इसमें 1 कप मैंने और डाल दिया है, तो चने के ऊपर कम से कम 3 से 4 अंगुल ऊपर पानी होना चाहिए, इतना पानी हमको डालना है। अब कुकर का ढक्कन बंद किया और इसमें 4 से 5 सीटी लेंगे। तो पहली सीटी तो तेज़ आँच पर लीजिए, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने 3 सीटी ले ली है, तो टोटल 4 सीटियाँ ले ली थी मैंने। और जब पूरी स्टीम निकल गई तो कुकर का ढक्कन खोला, और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कितने बढ़िया तरीके से हमारे चने उबल चुके हैं। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ, बहुत आसानी से जब हाथों से ये दब जाए, इतनी स्टेज तक हमको इसको बॉईल करना है। अब एक कढ़ाई ली, इसमें 3 चम्मच मैंने तेल डाला। तेल को पहले धुआं निकलने तक गर्म किया, उसके बाद गैस को बंद करके थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, साथ ही साथ में 1/2 इंच अदरक मैंने कट करके रखा है, उसको डाल देंगे। अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके रखा था, उसे भी डाल दिया है। अभी फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। साथ ही साथ में 1/2 चम्मच हींग डाली है, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, उसको ज़रूर से डालिएगा। सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 टमाटर पके हुए बारीक चॉप करके रखे हैं, तो इन्हें डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, पर कटे या टमाटरों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मसालों को अच्छे से भूनेंगे। और फ्लेम अभी भी मेरी लो ही है, मसाले लो फ्लेम पर बहुत अच्छे भूनते हैं। साथ में अब सिर्फ मसाले के हिसाब से हम नमक डाल देंगे, क्योंकि चने में तो हमने पहले ही नमक मिला दिया था। और बस अब इसको टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हमको भूनना है। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट में हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल मैशी से हो गए हैं। फ्लेम मैंने लो ही रखी है। अब इसमें से पूरा 1 करछुल या 1 चम्मच भर के हमने चने निकाल लिए हैं, इसको मसाले में डालेंगे, और इसको हम इस तरीके से मैश करते चले जाएंगे। तो इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और साथ ही साथ ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इस स्टेप को ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए चनों को मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है, और साथ ही साथ में मसाले के इसको भूनते भी चले जा रहे हैं हम। ये हमारा बहुत बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें मेन इन्ग्रीडियंट डालेंगे, की इन्ग्रीडियंट, 2 चम्मच अनारदाना पाउडर। तो मैं आपको बताऊं कि मार्केट में अनारदाना पाउडर भी मिलता है, लेकिन उसके बजाय आप अनारदाना सूखा हुआ जो मिलता है उसे लेकर घर में पीसिए और घर में पाउडर बनाइए। उसका फ्लेवर और टेस्ट गज़ब का आता है, जबकि मार्केट का जो पिसा हुआ अनारदाना पाउडर रहता है उसका बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अब इसमें यहाँ पर मैंने ये सारे चने मिला दिए हैं, मसाले में इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और अभी तो मेरे को थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी लग रही है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी, लगभग 1/2 कप पानी और मिलाएंगे। तो 1/2 कप पानी मैंने इसी कुकर में थोड़ा सा डाल के हिला दिया, ताकि जितना साइड साइड में चने का मसाला लगा हुआ है वो भी साथ में घुल के इसमें आ जाए। तो पानी डालने के बाद अब इसको ढक देंगे, और कम से कम इसको 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पकाया, और लगभग 6 से 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है सब्ज़ी का, कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग की, और इसमें मैं गरम मसाला पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने खड़े मसाले डाले हैं, बस इतना ही बहुत सफिशियंट है। बहुत शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है दोस्तों, एक बार मेरे बोलने से इस तरह से सब्ज़ी ज़रूर तैयार कीजिएगा।
बहुत टेस्टी बनती है। और बस गर्मा गर्म आप इसको पूरियों के साथ में सर्व कीजिए। वैसे बना रहे हैं बिना नवरात्रि के, तो आप किसी के साथ में भी रोटी चावल पराठे के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।